नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश सांगड़ा और आप देख रहे हैं क्रिकेट क्लास। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी तीन गलतियों के बारे में बताऊंगा जो आपको एज ए बॉलर नहीं करनी है। और दोस्तों, अगर आप ये तीन गलतियां एज ए बॉलर रिपीट नहीं करते हो तो दोस्तों आपका गेम एक हाई लेवल पर चला जाएगा और आपको अपने गेम में जल्दी इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। इसीलिए दोस्तों इन गलतियों को रिपीट न करें। और दोस्तों, ये वीडियो स्पिनर और फास्टर दोनों के लिए है। तो दोस्तों, अगर आप बॉलर हो तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला पॉइंट है बॉलिंग विदाउट प्लानिंग। दोस्तों, कई बॉलर होते हैं जो एकेडमी में जाने के बाद या फिर मैच में जाने के बाद बिना किसी प्लानिंग के बॉलिंग स्टार्ट कर देते हैं और वे बिना किसी प्लानिंग के बॉलिंग करते रहते हैं और फिर वे बाद में आशा करते हैं कि उनकी बॉलिंग इम्प्रूव होगी। पर दोस्तों, इससे आपकी बॉलिंग इम्प्रूव नहीं होगी। अगर आपको अपनी बॉलिंग इम्प्रूव करनी है तो दोस्तों आपको प्लानिंग के साथ बॉलिंग करनी होगी। यानी जब भी आप नेट या फिर एकेडमी में बॉलिंग करो तो दोस्तों आपको पहले से ही प्लानिंग करनी है। आपको बॉलिंग करने से पहले आपको गोल सेट करना है कि आज मैं यॉर्कर बॉलिंग पर काम करूंगा। और इसी तरह दोस्तों, हर दिन आप एक नए वेरिएशन और बॉल पर वर्क कर सकते हो। और जब आप मैच खेलो तो दोस्तों आपको मैच में भी प्लानिंग के साथ बॉलिंग करनी है। आपको किस बैट्समैन को कौन सी बॉलिंग करनी है, आपको इसके बारे में प्लानिंग करनी है। और जो प्लान आपने मैच में बनाया है आपको उसे एग्जीक्यूट करना है। और अब दूसरा पॉइंट है आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग जोन एंड वीक जोन। दोस्तों, एज ए बॉलर आपको अपने वीक जोन और स्ट्रॉन्ग जोन दोनों पता होना चाहिए। और अगर आपको अपना वीक जोन और स्ट्रॉन्ग जोन पता नहीं है तो दोस्तों आपको अपने सीनियर से या फिर अपने कोचिंग से इसके बारे में पता करना है और इन वीक जोन पर आपको वर्क करना है और इन्हें इम्प्रूव करना है। और इसी तरह दोस्तों आपको अपने स्ट्रॉन्ग जोन को टाइम के साथ साथ इम्प्रूव करना है। दोस्तों, कई बॉलर एक गलती करते हैं कि उनको अपना वीक जोन पता नहीं होता है, जिसके कारण वे उन पर हार्ड वर्क नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से उनका गेम भी इम्प्रूव नहीं होता है और उनकी बॉलिंग स्पीड भी इंक्रीज नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों आपको अपना वीक जोन और स्ट्रॉन्ग जोन दोनों पता होना बहुत ही जरूरी है। और अब आता है दोस्तों तीसरा पॉइंट है एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट। दोस्तों, अगर आप बॉलर हो तो दोस्तों आपको अपनी बॉलिंग को एनालिसिस करना होगा। आप हर मंथ या फिर हर वीक अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हो और ये आप अपनी बॉलिंग की वीडियो बनाकर कर सकते हो। और दोस्तों, आपका गोल अपने आप को पिछले मंथ से ज़्यादा इम्प्रूव करने का होना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको अपनी बॉलिंग स्पीड और टेक्निक को इम्प्रूव करना है तो आपको अपने लिए टाइम सेट करना होगा कि मुझे इस टाइम के अंदर इतनी स्पीड इंक्रीज करनी है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आप 6 मंथ या फिर 3 मंथ का टारगेट सेट कर सकते हो। और इसी तरह दोस्तों, आप किसी टाइम फ्रेम के अंदर आप नया वेरिएशन सीख सकते हो। दोस्तों, कई बॉलर कई सालों से एकेडमी करते रहते हैं पर उनकी स्पीड और गेम वैसे का वैसा ही रहता है। इसका एक ही कारण है, एनालिसिस और इम्प्रूवमेंट न करना। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।